वेलकम बैक। और यहाँ आपको बताएं, कौमी हॉकी टीम की GHQ आमद, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने कौमी हॉकी टीम की शानदार कारकर्दगी की तारीफ भी की। तफसीलात जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे नवीद अकबर से। जी नवीद अकबर, कौमी हॉकी टीम की GHQ आमद हुई है, मज़ीद क्या तफसील है आपके पास? नवीद, आपको आवाज़ आ रही है? आपको अपडेट करते चलें, कौमी हॉकी टीम की GHQ आमद, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने कौमी हॉकी टीम की शानदार कारकर्दगी की तारीफ की। आपको अपडेट कर रहे हैं, कौमी हॉकी टीम की GHQ आमद, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात भी की गई। आर्मी चीफ ने कौमी हॉकी टीम की शानदार कारकर्दगी की तारीफ की। रावलपिंडी से आपको खबर दे रहे हैं, कौमी हॉकी टीम की GHQ आमद, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने टीम का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने हॉकी टीम की शानदार कारकर्दगी को सराहा। आर्मी चीफ का खिलाड़ियों के मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। मजीद जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे नवीद अकबर से। जी नवीद अकबर, कौमी हॉकी टीम GHQ पहुंची है, क्या तफसील है आपके पास? जी बिल्कुल, पाकिस्तान हॉकी टीम ने आज जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी का दौरा किया और आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से मुलाकात की। इस मुलाकात में सदर PHF तारक हुसैन के अलावा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो आला अहदेदारान हैं वो भी मौजूद थे। आर्मी चीफ ने हॉकी टीम की हाल ही में अजलान शाह कप में शानदार कारदगी पर उनको सराहा और आर्मी चीफ ने कहा कि हॉकी टीम कौम के लिए फख्र का बायस बनी है। हॉकी टीम की मुसलसल कामयाबियों के लिए भरपूर हमायत फराहम करने के लिए पुरअज़म है और आर्मी टीम का मुस्तकबिल जो है उसके लिए भी, मुस्तकबिल में कामयाबियों के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। आर्मी चीफ से उनसे मुलाकात करने पर PHF सदर ने उनका शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ ने हॉकी टीम की शानदार कारकर्दगी को सराहा। अपडेट कर रहे थे नवीद अकबर, बहुत शुक्रिया आपका।